आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रविवार को पूर्वाषट नक्षत्र राजयोग में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। इस बार कोरोना के ग्रहण का असर गुरु पूर्णिमा पर देखने को मिला। गुरु और शिष्य सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर के नियमों के साथ निर्वाहन करते नजर आए। ऐसा ही नज़ारा उज्जैन के चारधाम मंदिर पर मंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद गिरी महाराज और उनके शिष्यों में देखने को मिला है। रविवार को पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। शहर में कई जगहों पर गुरु पूर्णिमा पर होने वाले कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है और घर पर ही पूजा करने की अपील की गई है। वहीं शिष्यों ने गुरुओं की पूजा खड़ाव पर ही माथा टेक कर की एवं यह परंपरा एक एक करके ही निभाई गई। गुरु जी के अनुसार कोरोना संक्रमण काल के चलते इस बार सामूहिक भंडारे, हवन, प्रवचन जैसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए हैं। साथ ही सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। चारधाम मंदिर में प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा का महाउत्सव मनाया जा रहा है। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज के सानिध्य में, क्योंकि यह कार्यक्रम भव्यता के साथ मनाया जाता है, परंतु इस बार कोरोना काल चल रहा है, संक्षिप्त में हमने इस कार्यक्रम को किया है। परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन यहाँ पर अभी हुए हैं और उनका भी यही कहना है कि हमारा समाज, हमारा देश के लोग सब खुशी रहे, अच्छे रहे, निरोग रहे, ऐसा उनका मानना है कि ये जो समय है हम सब लोगों को सावधानी के साथ करने के लिए है। एक हमारा बड़ा कार्यक्रम चारधाम मंदिर में होने वाला था, 12 ज्योतिर्लिंग का, 27 मई का, उसको भी हमने कोरोना काल में निरस्त किया है। आगामी दिनों में दिसंबर जनवरी में जब भी मुहूर्त अच्छा निकलेगा उस कार्यक्रम को करेंगे। ऐसा कार्यक्रम जिस प्रकार से भव्यता से होगा, डीएससी के पुनः याद यहाँ पर ताजी होगी, ऐसा हमारा मानना है। मैं ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी ओर से गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि चार धाम मंदिर में आप यहाँ के जो जनता है वो दर्शन के लिए अवश्य आए, परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। यही निवेदन के साथ जय श्री राम। देखिए, कोरोना का काल है इसलिए गुरु पूर्णिमा का उत्सव जैसा बृहद रूप से मनता था वैसा तो नहीं मनाया है। पूरा ध्यान रखा है, मास्क का भी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी, सीमित लोगों को ही यहाँ जैसा कहा था वैसा ही लोगों को, उतने ही लोगों को बुलाया है। और आज गुरु पूर्णिमा का पर्व रहता है तो शिष्यों को आज आशीर्वाद की तरह से एक आध्यात्मिक उन्नति हो, व्यक्ति का जीवन सत्कर्म में लगे, भजन में लगे, श्रेष्ठ जीवन जीने का संकल्प मिले। और असल में जब अच्छे विचार सुनता है तो एक पॉजिटिव ऊर्जा व्यक्ति के अंदर आती है और एक विश्वास जागता है ईश्वर के प्रति, और वो जो विश्वास है वही व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी, और मानसिक रूप से जो डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, जैसे आजकल एकांत में रहने से हुआ है, वो सब इसके कारण नहीं होता है। और विश्वास रहता है कि हमारे गुरु की हम पर कृपा है, उनका हम पर आशीर्वाद है। तो ऐसे लोगों को जिनको आध्यात्मिक साधना करनी थी उनके लिए तो ये बल्कि समय और ज़्यादा अच्छा बीता है, थोड़ा और ज़्यादा भजन साधना कर पाए हैं। तो आज का दिन हम लोगों ने बस इतना ही कहा है कि आपका जीवन मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, और खास तौर से तो ये काल को साधना में बिताएं। और बस जो सरकार का नियम है या जो विपत्ति है उस पर भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि मनुष्य का जीवन बार बार तो मिलता नहीं है। हमें कितना ही अच्छा और जीवन मिल जाए और कितनी सुख सुविधा मिल जाए, लेकिन अगर भारत में जन्म मिला है तो उसका जीवन आध्यात्मिक हो, थोड़ा सत्कर्म में लगे, साधना में लगे, क्योंकि अपने आप तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मोक्ष के लिए मिला है, इसका उपयोग हो। तो इसी दृष्टि से सबको आशीर्वाद दिया है, आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो, सब लोग सुखी हो, ऐसा आशीर्वाद। मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।